आइसक्रीम खाया यार बहुत बच्चे के साथ चली <laughs> डिस्क्लेमर दे दो आइसक्रीम मत खाओ फैंटेसी में जीत के शांत रहो घर पे तो प्रतीक भाई बांग्लादेश की बात करें उससे पहले बांग्लादेश जो मैचेस हार के आई है उसमें से एक इंग्लैंड से भी था जो बहुत ही वन साइडेड हारे थे और जिस तरीके से इंग्लैंड बाकी सबसे हार के आ रही है क्या आप बोल सकते हैं कि बांग्लादेश की हालत इंग्लैंड से भी ज्यादा बुरी है बांग्लादेश की हालत इंग्लैंड से भी ज्यादा बुरी है ये बोल सकते हैं मतलब ना मतलब कुछ तो गलत चल रहा है दोनों कैंप में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो समझ में नहीं आ रहा मतलब जिस तरीके से चल रहा है समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, की बुरी है टेबल में वो दसवें नंबर पे होने चाहिए और इंग्लैंड नौ पे नहीं इंग्लैंड तो ग्यारहवे पे होनी चाहिए मैं चाहता हूँ ग्यारहवे पे और जैसे हमने पहले भी कहा था पूरे यूजोर्ट और वसीम भाई मैं अभी भाई प्रती भाई सब बहुत ज्यादा दुखी है बहुत ज्यादा दुखी है इंग्लैंड लास्ट पे <laughs> अभी भाई आ, विकेट की बात करें लास्ट जो विकेट था इडन में वो एक बहुत ही स्पाइसी विकेट देखने को मिला था हमें बांग्लादेश और वाला जो गेम था और जब से रिले हुआ है विकेट तब से हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि यहाँ पे हमेशा फास्ट बॉल उसका हेल्प मिलेगी बॉल स्विंग होगी लेकिन रिसेंटली आईपीएल में एक अच्छा फ्लैट विकेट भी देखने को मिला था और आउटफील्ड हमेशा की तरह एकदम सुपर फास्ट रही है लेकिन लास्ट मैच में बॉल अच्छा खासा मूव किया था और इंपैक्ट मुस्तफिजुर को वो ग्रिप भी मिला था जब वो स्लोर वन डाल रहे थे आपके लिए कंडीशंस इस मैच में कैसी रहने वाली है काफी सिमिलर रहेगी और आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या आपका फैंटेसी कॉम्बिनेशन होगा बहुत सारा क्वेश्चंस पूछ लिया अभय शर्मा ने पर पहले पहले क्वेश्चन का सवाल ये है कि वही सेम कंडीशन सेम वो ही टाइप का पिच एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बट आउटफील्ड इतना फास्ट है और बहुत छोटा भी है तो वो बीस रन इधर उधर चले जाते हैं और दोनों टीम का फील्डिंग इतना भी खास नहीं है कि बोल सकता है कि बीस रन बचेंगे तो टू हंड्रेड एंड सेवेंटी मिनिमम मुझे लग रहा है अच्छा स्कोर रहेगा अः मेरा fantasy combination में usually में कोलकाता को को देख के जाऊंगा पर वो था था का अच्छा डाला थोड़ा chance है ये ही, ये ही doubt है कि और एक बांग्लादेश बॉलर को लू या ना लूं uh, क्योंकि टास्किन ने भी बहुत अच्छा से शुरू किया था लास्ट गेम uh, शरीफुल इस्लाम uh, पीयूष ने बताया था कि थोड़ा ग्रिप मिल रहा था मुस्तफिजूर को तो आई स्टिल बिलीव लोड अप विद फास्टर लोडअप और मेरा फैंटेसी कॉम्बिनेशन ये फैंटेगा बोलर आ, शायद नहीं पक्का है मेरा एक कैप्टन uh, बोलर तो रहेगा और इतना अच्छा फॉर्म है एक बैटर को लूंगा वो मोहम्मद रिजवान आई नो लास्ट गेम में थोड़ा ऐसा uh, हो गया पर स्टिल आई फील मुझे uh, मुझे लग रहा है मोहम्मद रिजवान अच्छा करेगा ऐसे टाइप अः बोलिंग के साथ क्योंकि मिडिल ओवर्स पे बहुत स्पिन डालने वाले बोलिंग है बांग्लादेश और ऐसे टाइप टीम्स के साथ बहुत अच्छा करेगा रिजवान लग रहा है तो शाहीन रिजवान मेरा आपके कैप्टन तो मैं भी एक फास्ट बोलर <coughs> के साथ ही जाऊंगा इनफैक्ट हो सकता है मैं दो फास्ट बोलर के साथ रहेंगे जिस तरीके से बॉल मूव हुई थी लास्ट मैच में और जैसे शाहीन रिसेंटली अब बोलिंग कर रहे हैं Uh, डेथ में भी वैल्यू है न्यू बॉल के साथ में में और तो भी आके वो बोलिंग करते हैं वहाँ पे भी काफी कर रहे हैं तो बहुत ही ऑब्वियस जब खेले थे ऑप्शन तो और क्या उसमें शाहिद जाफरीदी का नाम फिर से जब एक fun fact बता मैं, ये दोनों मल्टी नेशन टूर्नामेंट जो होती है मतलब जहां पे मल्टीपल कंट्रीज खेलती है पांच बार खेली है पांच में से तीन बार आफरीदी नाम के प्लेयर मैन ऑफ द मैच रहे तो शाहिश को कैप्टन क्यों ना बनाए तो सा जाऊंगा फ्रेश घर से आए हैं, हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ ना कुछ कहीं यू नो आ जाएगा एंड प्लस वैल्यू होगी यहाँ पे बैटिंग बोलिंग दोनों के साथ उनके बैटिंग कंफर्म होती है आ, शायद आउटफील्ड में कुछ कैचेस पकड़ लें तो मेरे लिए पक्का अगर जब इफ पाकिस्तान इज बैटिंग फर्स्ट तो वहां पे रिजवान कैप्टन शाहिन शाहफरीदी वाइस कैप्टन

तो इसीलिए अगर बांग्लादेश की एपिसोड देख रही है तो आपको एक ऐसे प्लेयर को पकड़ना होगा जिसके लास्ट नेम अफरी है क्योंकि <laughs> आपके पास भी उतने ही अदरवाइज अफरीदी है ले जाएंगे बाकी तो अगर हेड टू की बात करें तो वैसे पांच ही मैचेज आते बांग्लादेश जीती है लेकिन ओडे वर्ल्ड कप में एक मैच आया वन ऑल है तो बराबर है बिल्कुल और अगर आप लास्ट पांच मैचेस देखेंगे तो बांग्लादेश वहां तीन जीत चुकी है लास्ट तीन जीते हैं पाकिस्तान ने और उससे पहले दो जीते थे बांग्लादेश ने तो बहुत ही

शाकिब अल हसन का एक इनिंग्स तो है कहां, कहां भी, और उनका वो थोड़ा आई नो बाउंसर का शिफ अल हसन वैल्यू देता है फैंटेसी के, आ, तो आ, अगर रिजवान नहीं है और एक फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहूंगा मोहम्मद हसीम तो नहीं खेलेगा लग रहा है यार पियूष मुझे लग रहा है वापिस हसन अली आ जाएगा ये इलनेस सब कुछ चेन्नई के लिए है

और लास्ट मैच में भी एग्जैक्ट वही डिसमिसल था जो जो के कहेंगे स्टार्ट हुआ था और वो सीरीज चलती जा रही है एक ही डिसमिसल जो कि हमने जॉर्ज पटलर की बात की थी जैसा आ रहा है तो काफी खराब समय चल रहा है विद द बैट बट विद द बॉल तो अभी भी क्लास है और अभी भी कभी भी आके वो दो सी तीन विकेट पिक कर सकते हैं और मेजोरिटी विकेट्स अगेन एलवी डब्लू में आने तो भाई आपके लिए प्लेट वर्ड जो घर से सोच के आए नहीं लेना है Uh, मतलब है मल्टीपल ऑप्शन कॉमन भी uh, होंगे एक ऊपर uh, जहां पे मुझे नहीं भरोसा है कि शायद उनको मैं पिक कर पाऊंगा शांतो uh, भी आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैं हमेशा महमूद को प्रीफर करता हूँ बैटिंग ऑर्डर में तो शांतो एक और प्लेयर होंगे जिनको नहीं पिक कर पाऊंगा एक हमारे मोस्ट पॉपुलर uh, नाम जो इस शो में अक्सर आते हैं मेहदी हसन मिराज

बट लास्ट मैच में भी डेथ में उन्हें ओवर्स दिए गए दो विकेट्स वो ले गए मेरी टीम में नहीं थे बहुत मुझे दुख हुआ ये बांग्लादेश का पैटर्न क्या आपको लगता है कंटिन्यू रहेगा क्योंकि बार बार तो ऑब्वियसली वो नहीं हो सकते कि एक प्योर कोइंसिडेंस हो एक और बचा था स्किनर लास्ट मैच के लिए इंग्लैंड मैच के बाद ड्रॉप हुए ना मादी नेक्स्ट मैच ड्रॉप था तो ये मैच भी ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वापस लेफ्ट आर्म स्पिन आ जाएगा नसू अहमद आ जाएगा लग रहा है बिकॉज पाकिस्तान करेक्ट 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 फेयर पॉइंट फेयर

बहुत सिंपल रखने वाला हूँ शादाब खान के साथ मेरा उनको ही मतलब बिलीफ नहीं है कि वो अच्छा बॉल डालेगा लग रहा है और ये भी है कि अगर इंजर्ड है वो कंकशन है और अगर नहीं खेल सकता है वो बैटिंग में थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है येस yes, बट अगर पाकिस्तान अच्छा बैटिंग करेगा एंड आई बिलीव पाकिस्तान विल कम गुड विद बांग्लादेश के साथ तो शादाब खान का वैल्यू इतना अच्छा नहीं है तो आई आई फील शादाब खान मेरा प्लेयर है। आपको लगता है जिस तरीके से बांग्लादेश बैटिंग कर रही है शादाब खान को अच्छी करने की जरूरत है आ, मिल तो टीम लेते हैं। टीम थोड़ा और इजी हो जाएगा तो पे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर मैच में भी और टेलीग्राम चैनल अपडेट्स मिल जाएगी ऑन व्यू टेलीग्राम चैनल मेरे चैनल पे और अभी हैं तो आप तीनों चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में और आ जाओ सेक्शन में तो दोस्तों बेस टीम तो बना लेंगे बट जो हमारी रीसेंट मैचेस में स्वीप हो रही है जहां पर व्यू स्पोर्ट की जो टीम है जो आपको टीम मिलती है व्यू स्पोर्ट ऐप पर उससे जो आपकी विनिंग्स हो रही है उसके स्क्रीन आपके सामने हैं टीम कॉम्बिनेशन के और टीम के पॉइंट के तो इसीलिए व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में इतना ही नहीं हमारी टेलीग्राम चैनल पे हम आपको देते हैं कुछ ऐसे इन कुछ ऐसे टॉस एनालिसिस जिससे आपको अपनी टीम बनाने में हेल्प हो सकती है और ये सारे जो हमारे पिछले गेम्स के प्रोडिक्शन रहे हैं आपके सामने हैं तो आपको समझ में आ जाएगा चाहे वो हमारी जीएल कैप्टनसी ऑप्शन हो चाहे वो हो हमारे पिक्स एज पर टॉस वो सारे कितना काम कर रहे हैं तो याद रखिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्रिंट कमेंट में भी है हमारे टेलीग्राम चैनल का और हमारे व्यूस्पोर्ट ऐप का प्रदीप भाई मोहम्मद रिजवान रहीम मुशुर रहीम के वैसे रीसेंट नंबर लास्ट अगर सात पारियों की हम बात करें तो पांच तो फिफ्टी प्लस को इनक्लूडिंग हंड्रेड नाइनटी नाइन फोर्टी नाइन तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रिसेंटली रहा है क्या आप उनको पिक करना चाहेंगे क्योंकि आप रिटर्न दास तो नहीं पिक करेंगे और मोहम्मद रिजवान स्टेट ऑप्शन है रिजवान स्टेट ऑप्शन रहीम अगर बैटिंग फर्स्ट करें तो पक्का लूंगा अभी भाई रहीम डाउटफुल uh, uh, मेरा एक थोड़ा बैटिंग ऑर्डर के साथ गया है मतलब uh, मुशफिकार से एक निकालूंगा तो मुश्फिक बट आई स्टिल बिलीव मेरा बैटर है वो दे जॉब बट पाकिस्तान सेकेंड बैटिंग कर रहा है साउथ शकील को लेना में साउथ शकील मेरा टीम है तो बिकॉज गोई सेम लॉजिक

जिस स्पेस पे वो डाल रहे हैं और जो लाइन डाल रहे हैं वो जरूर ट्रबल कर सकती है मैं लास्ट मैच जब अब्दुल्ला शफीक को भी वो सेम उनके अगेंस्ट को यूज करते हुए देखा जो कि मार्को एंसन ने सेम बॉल पे उन्हें आउट किया आपको लगता है तस्किन अहमद वर्सेस ये ओपनर्स की जो बैटल है वो बहुत ही क्रूशल होगी और डिसाइड करेगी कि आप किसको पिक करें या ड्रॉप करें हाँ थोड़ा लग रहा है अब्दुल्ला शफीक और थोड़ा सा बेटर फॉर्म में है और वो पोजीशंस और जिस पोजीशंस में आ रहा रहा है है मुझे लग रहा है उनका आ, मतलब सक्सेस बहुत दूर नहीं है उनका पर इमाम थोड़ा क्लटर्ड लग रहा है इम उ एक दो शॉट्स बहुत जल्दी जा रहा है और उनका रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छा नहीं रहा है तो आई स्टिल बिलीव दैट इमामक दे कुड ब्रिंग बैक फक्र जमान यू you नो know? थोड़ा एक प्रेजर रहेगा पाकिस्तान के ऊपर भी दो तीन चेंजेस तो करो इतना प्रेशर है उनके बोर्ड से उनके मीडिया से बहुत साइड सब सब जगह से प्रेशर आ रहा है तो मुझे लग रहा है एक दो चेंजेस तो होगा ही वो टीम पे सेम टीम के साथ नहीं जा सकता और इमाम का इतना फॉर्म खराब है कि उनके साथ नहीं जा सकता है दे माइट ब्रिंग बैक फख्र जवान इतना इतना ब्रेक के बाद वो खेल रहा है शायद उनको भी पिक कर सकता है बट मेरा ये सेफ चॉइस रहेगा अब्दुल्ला शफीक बिकॉज अगर बैटिंग फर्स्ट है या बैटिंग सेकेंड भी है एक बैटर uh, मेरा बिलीफ है कि विल कम गुड वो अब्दुल्ला शफीक अरे भाई अब्दुल्ला शफीक इमाम इमाम की हमने ऑलरेडी काफी बात कर ली है उनका फॉर्म जरूर रिसेंटली काफी डिब हुआ है लेकिन उनके नंबर अगेंस्ट बांग्लादेश बहुत ही अच्छे हैं लिमिटेड सैंपल साइज है बट हर मैच रन की बांग्लादेश क्या आप दोनों को पिक करना चाहेंगे और आपके बाकी बैटर्स कौन से होंगे Uh, बाबर पक्के uh, अब्दुल्ला शफीक को मैं अभी भी बैक करूंगा uh, जैसे अभी मैंने भी कहा अच्छे टच में है एंड इस आउटफील्ड मतलब वो आई थिंक इस आउटफील्ड का वो एडवांटेज भी उठाएंगे मतलब तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वहां पर रन वो स्कोर कर पाएंगे और तीसरे महमूद जो हमेशा फेवरेट होते हैं उनको मैं पिक करता हूँ तो मेरी तरफ से यही तीन बैटर्स होंगे साउथ शकील की तरफ मैं वो वाला स्लॉट शायद बचा रहा हूँ फॉर इधर यू नो इफ्ती चाचा या मैं शायद लेके जाऊंगा वो वाला स्लॉट विद एन एक्स्ट्रा बोलर तो साउथ शकील को मैं फिलहाल तो नहीं बैक कर पाऊंगा इफ्ती चाचा सुपर फैंस जो भी है कमेंट सेक्शन में आ जाओ सब क्योंकि अल हसन मेहंदी हसन मिराज मिराज ऑब्वियसली अगर नहीं खेलते हैं दूसरे मेहनी हसन तो फिर बॉलिंग भी आपको करेंगे और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं लास्ट मैच में भी एक एंड पे खड़े होकर और काफी उम्मीद दी थी बांग्लादेश को जो की बाद में टूट गई उसके बाद आपके पास में शादाब खान है इफ्ती चाचा है मोहम्मद नवाज है प्रतीक भाई कितने ऑलराउंडर्स कौन से अभी के लिए शाकिब अल हसन ओनली फिर डिपेंडिंग ऑन की क्या टॉस सिचुएशन होती है इफ्तिकार यू नो इट विल बी माई सेकेंड चॉइस अगर मेहदी हसन मेरा और अंदर जैसे अभी मैंने कहा मैं कन्विंस हूं कि नसूम अहमद आएंगे इस गेम में वापस तो फिर से शायद ये हो सकता है कि मेहदी हसन मिराज बन जाते हैं सिक्स बोलर एंड वहां पर मैं उनको नहीं बैक कर पाऊंगा तो फिर एड मैक्स टू ऑलराउंडर्स शाकिब तो पक्का एंड वो एक कैप्टन वाइस वाइस कैंडिडेट भी

और बीच में पूरे राइट हैंडर्स है पाकिस्तान का बारिंग साउथ शकील तो आई नो बाबर आजम और ऑफ स्पिनर्स लेके आ जाओगा, आ जाएगा तो मैं कुछ नहीं बोल रहा मैं कुछ नहीं बोल रहा <laughs> बता दो ये बोस प्रोडक्शन पे साइड पे आ जाएगा अगर आपको नहीं पता है मैं ये तुम्हारा काम कर देता हूँ अगर तुमको नहीं पता है बाबर आजम वर्सेस ऑफ स्पिनर सिंस 2020 ग्राफिक साइड पे ठीक वैसे इंटरेस्टिंग अभी भाई उससे ज्यादा ये है कि जिस तरीके से वो अगेंस्ट अगेंस्टमैन आउट हुए सेम सेम जगह पे सेम फील्डर हर टीम वही फील्ड सेट कर रही है और वही पे बाबर आजम फिर से आउट हो करेक्ट तो एक विकेट लेना है और बाबर आजम को नहीं लेना आपको ग्रैंड लीग्स पे ट्राई करना है तो कर लो मेहदी हसन मिराज मैं नहीं लेने वाला हूँ मेहदी हसन अगर मेहदी हसन को लूंगा तो आई हैव टू ड्रॉप अ फास्ट बॉलर वो ज्यादा रिस्की लग रहा है जी हाँ तो मैंने नहीं असम वैसे मेरे लिए भी अभी शॉट्स तो स्टार्टर नहीं है लेकिन शादाब खान जरूर है मुझे लग रहा है जिस एरिए बांग्लादेश विकेट दे रही है तो शादाब खान को फाइनली विकेट्स मिल जाएंगे अगर वो फिट हो जाते हैं और आ जाते हैं टीम में इसके अलावा इफ्तिकार अहमद बैट फर्स्ट आप बिल्कुल नहीं ड्रॉप करना चाहेंगे और मोहम्मद नवाज देखना होगा मोहम्मद नवाज खेलेंगे यानी बोलिंग सेक्शन में चलते हैं शहन शाह अफरीदी हारिस रॉफ इसके अलावा मोहम्मद असीम जूनियर अगर खेलते हैं या फिर हसन अली खेलते हैं जो भी खेलते हैं दोनों में से जो भी खेलेगा हमारी टीम में आ जाएगा अब ट्रिकी पार्ट है

शाहिन शाह आफरीदी हारिस रॉफ शोरीफुल इस्लाम ये तीनों पक्की है अगर सेम तो अगर बोलिंग फर्स्ट कर रहा है बांग्लादेश तो टास्किन अहमद को सोचूंगा बट फिर भी देन आई माइट थिंक ऑफ गेटिंग ऑलराउंडर बिकॉज इतना बैटर्स है मेरे पास तो और एक बोलर है तो मे बी अगर बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट कर रहा है एंड नंबर थ्री पे आ जाएगा मैदी हसन मिराज देन वापिस सोचूंगा उसके तरफ बट ये तीनों हंड्रेड परसेंट कंफर्म्ड है मेरे टीम पे शाहि हारिस और शोरीफुल ठीक है तो हमारी बेस्ट टीम रेडी है और जो चेंजेस होंगे फाइनल वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में व्यू विशकोट का वहाँ पे आपको एल्गो बेस्ट टीम मिलेगी मेरा चैनल है जहाँ पे मेरी टीम मिलेगी और अभी का चैनल है जहाँ पे अभी भाई की टीम मिलेगी आप जो चाहे वो छाप सकते हैं और नहीं छापना चाहें तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं आज के लिए इतना ही जाने से पहले हम पूछेंगे ये भाई का सवाल और यूभा के सवाल में आज ये होगा कि अभी भाई ने कितने घंटे गरबा किया था ठीक है इस करना आपका अच्छा ठीक है क्रिकेटिंग क्वेश्चन ही रखते अभी बताइए क्या पूछे <laughs> <laughs> क्या क्वेश्चन जस्ट फॉर रेफरेंस जैसे रोहित शर्मा का सेंचुरी की थी उसी पे इस मैच की बात करें तो लास्ट मैच जो खेला था शाह छह विकेट पिक तो अब आप वहां शुरुआ से शुरुआत कर सकते चाहे तो अभी शुरुआत करते हैं थर्टी एटी भाई थ्री फोर फाइव पांच चार कैप्टन <Captain> लॉक्ड <laughs> और मैं चले जाता हूँ फोर्टी थ्री फोर इधर भी चार विकेट तो क्रेटिव, कितने क्रिएटिव हो पियूष भाई आप इतने क्रिएटिव मतलब मान गए मेरे से चार लिया उन से तो तो है ये, मैं तो मैंने एपिसोड चालू होने से पहले बोला था ना मेरे कैप्टन जी होंगे तो जब मैं बना रहा हूँ तो मिनिमम तीन विकेट तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ अब आपने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया तो मैंने चार दे दिए तो आज के लिए इतना ही आपको कितना लगता है शहीद चफरी का विकेट चलेंगे तो आपको पूरा स्पेल बताना है तो पूरा स्पेल बता देंगे तो जो भी आपके आसपास होगा हो क्योंकि विकेट ऑब्वियसली बहुत सारे लोग सही बताएंगे और जो भी फिर फिगर्स जो सही बताएगा वो जीत जाएगा आज के लिए इतना ही और जो जीतेगा उसे पहुंच जाएगी इंडिया के आप बैठ के क्या करेंगे घर पे बैठ के सपोर्ट करेंगे क्योंकि इंडिया अगर सेमीफाइनल में जाना हो चुका है अब तय तो सेमीफाइनल फाइनल और फिर उसके बाद ट्रॉफी लेते हुए फोटो तो ये सब आपको ऐसे घर पे ले लीजिए अभी भाई, भाई मेहरबानी करके प्लीज प्लीज ओके कोई कुछ नहीं बोलेगा जैसे वो भाई माई बाई का एड आता ना वो कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा तो आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर बोलिए और कमेंट सेक्शन में बताइए और अभी भाई को आज स्पेशल थैंक्स क्योंकि गला बहुत खराब था उनका जो कि आपको क्लियरली दिखी भी रहा है बट उन्होंने फिर भी हमारे समय निकाला आई भाई थैंक यू सो मच और जाते ही सबसे पहले आप चाय पीना और कुछ मत पीना नो आइसक्रीम थैंक यू थैंक यू भाई प्रतीक भाई